प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाहिंद जलधि लांगे अचरज ना इसमें कुछ शब्द अलग अलग आ रहे हैं जैसे कि प्रभु और मुद्रिका और अचरज नहीं तो सबसे पहले देखते हैं जब गोस्वामी जी ने कहा प्रभु तो प्रभु शब्द के अगर रूट में जाए तत्व में जाए कि गोस्वामी जी ने प्रत्येक शब्द को बहुत मंथन करने के बाद प्रयोग किया है बल्कि मैं कहूंगा जो मेरा अभी उपयुक्त तो नहीं है गोस्वामी जी को जिस प्रकार की अनुभूति होती गई रिवील होता गया उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने तो ये कहना अनुचित होगा जब मैंने अभी कहा कि बहुत मंथन करके मंथन नहीं जैसी उनको अनुभूति हुई जिस प्रकार के भाव हृदय में आए उसके अनुरूप ही शब्दों का चयन स्वतः होता चला गया तो प्रत्येक चौपाई में जहां पर भी हनुमान जी के लिए राम जी के लिए जिस प्रकार की संभावनाएं दिखानी थी इनको जिस प्रकार की शक्तियां दिखानी थी जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व दिखाना था जैसा उनका कृतित्व दिखाना था उसी प्रकार के शब्दों का चयन किया तो इसमें पहला शब्द प्रभु दिखते हैं कि प्रभु किस प्रकार से बना है प्रभावती इति प्रा जमा भू जमा दुह प्रत्यय प्रभु इसका मतलब है स्वामी ईश्वर पति ईशिता अधिभू नायक नेता परिवृद और अधिप तात्पर्य यह है जब किसी व्यक्ति को हम इसके अंदर ईश्वरत को दिखाना हो उसकी प्रभुता को दिखाना हो उसकी अथॉरिटी को दिखाना हो उसके नायकत्व को दिखाना लीडरशिप को दिखाना हो उस समय पर प्रभु का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर यह कह कहकर के प्रभु मुद्रिका ये गोस्वामी जी के से यह विचार आए अचेतन से कि एक अल्टीमेट अथॉरिटी पति अथॉरिटी नेता नायक उसकी ओर से कोई बात कही जा रही है कि अगला शब्द आता है प्रभु मुद्रिका मुद्रिका शब्द मुद्रा से बना हुआ है और मुद्रा भी एक अद्भुत शब्द है इसके कई भाव आते हैं मुद्रा स्त्री मोदते अनयेति अर्थात जिसके द्वारा खुशी का अनुभव होता है मोदते जिसके माध्यम से ऐसे मुदित होता हो ऐसी चीज मुद्रा और उस मुद्रा से शब्द बना है मुद्रिका तो पहली बात यह आई कि जिसके माध्यम से आपको प्रसन्नता मिले ऐसी कोई चीज दी जाए और उस मुद्रा का प्रतीक बनी मुद्रिका मुद्रा स्वार्थे कन स्त्रिया ताप स्वर्ण रूप या दिनी दिनिर मुद्रा मोहर का टाप ता, मोहर टाका इत्यादि भाषा स्वर्ण आदि से निर्मित मुद्रा को मुद्रिका कहते हैं ए पर्टिकुलर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ए साइंड और सील्ड पेपर, ए ए ए स्टैम्प्ड स्टैम्प और सील रिंग। तो साधारण भाषा में हम केवल उस रिंग जो उंगली पहन उसको कहते हैं लेकिन तात्पर्य होता है जब कहते हैं मुद्रिका का तो स्टैम्प इंप्रेशन यानी अथॉरिटी का प्रतीक इसीलिए कहा गया और फिर ए साइंड अ सील्ड इन पेपर ऐसी कोई चीज के अंदर आपकी ये शक्ति है अथॉरिटी है दिखाने के लिए उसका उद्बोधन कराने के लिए उसके प्रकटीकरण के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है जो साधन है वो बनी मुद्रिका तो और मुद्रिका दोनों को एक साथ लेते हैं अपन, तो जो अल्टीमेट अथॉरिटी है उस अथॉरिटी का प्रतीक अपने साथ लेकर के और अब आगे मुझे पता लगेगा कि इस पे शब्द लिखा हुआ था राम या श्रीराम ये डिबेटेबल है कि राम लिखा या श्रीराम लिखा लेकिन जो भी उनका प्रतीकात्मक शब्द लिखा हुआ है आधे राम या श्री राम जो भी कहा जाए तो प्रभु मुद्रिका फिर अगले आता है, मेली मुख माही उस मुद्रिका को उन्होंने मुख में रख लिया अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसी कोई अथॉरिटी आपको दी गई जिसके माध्यम से कि अल्टीमेट सत्ता का आप प्रतीक बन रहे हैं या जिसको भी दिखाएंगे आपने कहानियां भी सुनी होंगी जगह जगह पर कि कोई राजा जा रहा था किसी प्रसन्न हो गया तो अपनी अंगूठी उतारी और दे दिया भाई इसको लेकर आ जाना और इसको जिसको दिखाओ कोई रोके नहीं ये मेरी सत्ता का प्रतीक है जब भी लेके मेरे पास आओगे आप सीधे मेरे पास आने दिए जाओगे तो इस प्रकार से अनादिकाल से यह मुद्रिका उस अल्टीमेट सत्ता का जिस स्टेटरी में है उसका प्रतीक रही है तो उस सत्ता की प्रतीक एक मंत्री का दी गई और ये पता लगता उस पे नाम राम लिखा हुआ है उसको मुख में रख लिया तो वही बात आती है अगर सत्ता का प्रतीक आपके हाथ में है तो उसको छुपाने के लिए संभाल के ले जाने के लिए सब सबसे उत्तम स्थान आपको मुख्य क्यों लगा कहीं अन्य इसका विवरण मिलता है और वहां पे गोस्वामी जी बताते हैं कि राम नाम ऐसा है जब भी जिस प्रकार से मिले वो सदैव जिहवा के पास होना चाहिए और जिसके पास भी जीवा के पास में राम है वो सदैव सत्ता के प्रतीक रहेगा समीप रहेगा उसका प्रतीक रहेगा और उस सत्ता के प्रतीक के रूप में उस कार्य करने की शक्ति सदैव उसके पास रहेगी तो जीवा से लगातार जिस नाम का उच्चारण होना चाहिए जब किसी प्रतीक रूप में वो नाम ही मिल जाए आपको तो सबसे उत्तम स्थान तो हो सकता है अन्यथा प्राय लोग बड़ी बड़ी डिबेट करते हैं कि मुद्रिका क्यों रख ली और गोस्वामी के समय पर भी ये बातें उठी सामने और बाद में भी उठती रही हैं उस संप्रदाय का जो भी परिचायक या उसको गोस्वामी रहा है तो सदैव ने यही उत्तर दिया राम नाम प्रत्येक समय मुख में रहना चाहिए और उसी के प्रतीकात्मक तौर से हनुमान जी के रूप में दिखाया गया उन्हें मुख में रख लिया अर्थात हनुमान जी के रोम रोम में राम है और जीवा से निरंतर जिसको जप हो रहा है वो राम है और उसी का प्रतीकात्मक मुद्रिका भी उन्हें मुख में रख ली और जब इस प्रकार से आपके मुख में राम आ जाता है तो अगला आता है जल यानी जल का जो इतना बड़ा जलराशि थी अर्थात समुद्र था उसको लांग गए यहां भी प्रतीकात्मक कहा गया है कि जब ये उद्घोषणा की गई कि राम नाम का निरंतर जप करने से आप भवसागर से पार हो सकते हैं तो अगर संसारिक तौर पे कोई छोटा मोटा समुद्र आप सामने है तो इस प्रकार से अगर राम नाम की अथॉरिटी आपके मुख के अंदर है आपके जीवा पर है तो इसको भी अब क्रॉस कर जाए तो कोई बड़े आश्चर्य वाली बात नहीं है। जिस नाम के अंदर सामर्थ्य है कि भवसागर पार करा दे आत्मा का परमात्मा का मिलन करा दे तो वो के माध्यम से अगर कोई छोटा मोटा समुद्र आपने क्रॉस कर लिया तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है तो यह शब्द आया अचरज अचरज आश्चर्य का अप्रंश है और आश्चर्य शब्द क्या कहता है क्ली तनात अपूर्व तत्पर्य विस्मय अद्भुत चित्र अद्भुत विस्मय अर्थात जिसके माध्यम से आपको विस्मय लगे जो चीज अद्भुत लगे सबसे अलग हटके लगे उसके लिए था हैं आश्चर्यजनक है अगर बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं हुई कोई अद्भुत चीज नहीं है लेकिन जब भी कोई भी चीज जो सामान्य से परे हटकर हो जिसको लीक से अलग हटके चल रहे हैं तब तो शब्द आता है यहां पर यह अद्भुत हुआ अर्थात ये आश्चर्यजनक हुआ तो वही बात कही इसमें जो भवसागर से पार करने की सामर्थ्य वाली चीज इसके पास हो वो अगर छोटा सा भी इस सागर पार कर जाए तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कोई विशेष बात नहीं है ना ही था तो प्रभु मुद्रिका मेन मुकमाही जलद ही अचरज तो इसलिए हनुमान जी ने उस शक्ति के माध्यम से जो भव सागर से पार करा सकती है इस छोटे सागर को पार कर लिया है इसमें कोई अद्भुत बात नहीं हुई कोई विशेष बात नहीं हुई बहुत ही साधारण काम करके अर्थात हनुमान जी इस नाम के लगा था जब से वो समर्थ प्राप्त किए हुए हैं कि इससे बहुत बड़ा और बड़ा अगर सागर रहा हो उसको भी पार कर सकते थे और ये इसलिए विशेष बात आ रही है कि इसके संदर्भ में जब देखेंगे स्कंद पुराण में पढ़ेंगे उससे पहले जब ये चर्चा हुई कि इस सागर को कौन कौन पार कर सकता है तो पहले जितने छोटे छोटे भालू और कपी थे सब बोलते मैं जा सकता हूं लेकिन मैं दस योजन आठ योजन छोटा छोटा कहते रहे किसी में ये सामर्थ नहीं आई किसी के अंदर ये साहस नहीं हुआ कि वो कहे में क्रॉस कर जाता जाम जी बोले एक समय था कि जब हरि ने विराट रूप धारण किया था और तीन पग में पूरे ब्रह्मांड नाप लिया था उस समय पर बहुत ही कम समय उनके साथ परिक्रमा कर ली में इतनी सामर्थ थी लेकिन अब मैं वृद्ध हो गया हूं अब नहीं कर सकता तब अंगद ने कहा मैं कर तो सकता हूं लेकिन एक बार क्रॉस करने के बाद वहां पहुंचने के बाद मेरी क्या मनस्थिति होगी क्या सामर्थ रहेगा मैं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा या आ सकूंगा नहीं आ सकूंगा इसमें संशय है लेकिन हनुमान जी तब बिल्कुल शांत बैठे रहे और आखिरकार जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो व्यक्ति जिनको राम जी ने पहले ही जिनको अंगूठी दे रखी थी अर्थात जिनको पहले ही अथराइज किया जा चुका था कि आप जा सकते हैं आज की भाषा में कहें कि जिनके पास में वीसा लगा हुआ पासपोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल था इमिग्रेशन कंट्रोल इनके हाथ में था चुप बैठे हुए सबसे पीछे उठ ही नहीं रहे बोल ही नहीं रहे और जामंद को कहना पड़ा चुप बैठे हुए हनुमान कोई प्रभाव नहीं पड़ा जामवंत का सुन हनुमाना का पिसाद रहे बलवाना आप क्यों चुप बैठे हुए हो लेकिन इस प्रकार से इनके बल का आह्वान करने पर बल्कि प्रशंसा करने पर भी हनुमान जी कोई भी प्रभाव नहीं हुआ शांत बैठे रहे यहां भी हमें एक संदेश मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए न केवल विनम्र हो साथ ही साथ अपनी प्रशंसा फूल नहीं जाना चाहिए जब कभी ईश्वर काम आए और ईश्वर काम क्या होते तीन ही होते हैं परित्राणाय साधु नाम च दुष्कताम धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे ईश्वर का केवल तीन ही काम है और जो भी ईश्वर के निमित्त कार्य करना चाहते हैं वो इन तीन कार्यों को करते रहते हैं तो इसलिए हनुमान जी की अपनी प्रशंसा हुई और ये उद्घोषित किया गया कि आप बहुत बलवान हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि ये एक प्रकार से तामसिक प्रशंसा थी केवल उनके बल का उद्घोषणा की गई उस तामसिक प्रशंसा से हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अब उन्होंने पुनः सोचा जाम जी ने अब उनकी राजसिक प्रशंसा की भले तामसिक प्रशंसा अब राजसिक प्रशंसा देखिए कि पवन तने बल पवन समान कहा चुप साद रे हो बलवान इसमें उनके साथ में पवन देव की भी स्मृति आ गई और एक उद्बोधन किया गया कि आपके अंदर इस ने इतनी सामर्थ्य दी हुई है बहुत ही आवश्यक है इसको जानना प्रशंसा भी तीन प्रकार की होती है तामसिक राजसिक और री साविकपनो हनुमाना बलवाना यह एक तामसिक प्रशंसा है केवल हनुमान जी के बल की तपस्या प्रशंसा की गई है इसलिए इसका इस तामसिक प्रशंसा को उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा पवन तने बल पवन समाना अब यहां पर पवन देव से उनकी इक्वेशन बनाई गई है कि आप न केवल पवन के पुत्र हैं आप बल भी पवन के समान है क्योंकि पवन का बल ही विशेष माना गया है संसार में आज भी किसी को काम करना हो तो आदमी सांस भरते हैं और कार्य करना प्रारंभ करें जोर लगाना हो तो आप सांस भर के जोर लगाते हैं यानी पवन की सहायता के बिना ऊर्जा आती नहीं है और कहा गया है कि आकाशात वायु वायु और अग्नि आकाश से वायु उत्पन्न हुई और वायु से अग्नि हनुमान जी ऊर्जा के प्रतीक है अग्नि के प्रतीक है इसलिए भी पवन के पुत्र हैं अब कहा गया है कि पवन तने बल समाना है। पवन समान आपके अंदर पवन का समान बल है बल विवेक विज्ञान विधाना है और आपके अंदर बल भी है विवेक भी है सब कुछ आपके अंदर है ये प्रशंसा राशि प्रशंसा हुई लेकिन अभी भी हनुमान जी प्रभाव नहीं राशिक प्रशंसा से भी संत लोग प्रभावित नहीं होते जी ने लेवल को और है। और बढ़ाया पुनः बोले कठिन जो नहीं तो ता तुम पाही अब ये राशिक और तामसिक प्रशंसा मिलकर एक हो गई एक और केवल उनके बल मत आएगा दूसरी ओर कहा गया कि आप प्रत्येक कार्य आपके लिए संभव है राशिक और तामसिक दोनों मिलकर एक हो गई क्योंकि राशिक और तामसिक प्रशंसा है इसलिए भी हनुमान जी पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा तब जाकर के जामोद जी ने अब अल्टीमेट लेवल उठाया और सात्विक प्रशंसा की और राम का लगी तब अवतारा कि आप इस संसार में आए ही राम के काम को करने के लिए और सुनता ही भयो पर्वताकारा तो जो सात्विक प्रशंसा हुई उस सात्विक गुण के शब्दों को सुनते ही कान में जाते ही हनुमान जी की मेरी चेतना आ गई तो दूसरा संदेश मिलता है जब भी संतों को सात्विक संदेश मिलता है उनका अंतर्मन जागृत होता है अचे, अचेतन शक्तियां जागृत हो जाती हैं और फिर वो ईश्वर के कार्य के लिए अपने लिए नहीं ईश्वर के कार्य के लिए उद्यत हो जाते हैं तो जैसे ही कहा गया कि राम का तब अवतारा सुनता ही पर्वताकारा और हनुमान जी तैयार हो गए अब तैयार होते वापस हम हनुमान चालीस पर आगे वाली लाइनें जो है उसी के लिए है किसकंदा कांड के तत्पर की अब इसको छोड़ देते हैं अब वापस आइए आप हनुमान चालीसा पर जब पर्वताकार हो गए मुद्रिका कुंभ में डाल लिया और जलधिलांग गए अचरज ही तो सात्विक शब्दों को सुनने के बाद सात्विक प्रशंसा को सुनने के बाद हनुमान जी अचेतन और चेतन दोनों शक्तियों को जागृत कर गए और ये सोचते हुए कि राम के कार्य के लिए मुझे सब कुछ करना है और उस संसार छोटे से समुद्र को क्रॉस कर गए जबकि सामर्थ इतनी है कि भाव सागर का कैसा भी सागर हो उसको वो क्रॉस कर सकते थे तो यहाँ पर दूसरा संदेश गोस्वामी जी देते हैं कि गोस्वामी जी पे मैंने कहा ये आहूत हुआ है रिवील हुआ है कि संसार के प्रत्येक कार्य करने के लिए जब तक सामर्थ है आदमी को राम नाम का स्मरण करते रहना चाहिए वरना एक अवसर आएगा कि आप मुख में दांत नहीं रहेंगे आप राम नाम लेने की ही सामर्थ नहीं रहेगी आप राम करने कोशिश भी करेंगे तो मां तो निकलेगा राह सही निकल नहीं पाए मुझसे और कुछ निकल जाएगा लेकिन राम पूरा पूरा मुख से निकल नहीं पाएगा तो यह नहीं है कि आप सोचे रहे कि एक अवस्था आएगी तब हम जब कर लेंगे लेकिन जब तक जीवा कार्य कर रही है जब तक दंत पंक्ति अपने स्थान पर है ईश्वर के नाम का बारंबार जब करते रहना चाहिए पता नहीं कब मुख में शक्ति न रहे दंत अपने स्थान पर न रहे और राम के स्थान पर आम आम करते रहे और राम कहीं नहीं सके तो जब तक शक्ति है करते रहे आप भी प्रत्येक समस्या से पार हो जाएंगे हनुमान जी के से तो ये हमें यहाँ पर संदेश मिलता है कि प्रभु मुद्री का मेल मुखमाही जल धिलांगे अचरचना किसी प्रकार का हमारे सामने ये समस्या का समुद्र आ रहा हो अगर आप हनुमान जी को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और ईश्वर को परमात्मा को अपना आराध्य मान लेंगे तो ऐसा कोई भी संसार का समस्या का सागर नहीं है जिसको आप क्रॉस न कर सकें तो प्रत्येक समस्या के सागर को पार करने का एक ही तरीका है हनुमान जी सदैव कृपा करो गुरुदेव की नहीं, सदैव गुरु के रूप में आपके साथ रहें और आराध्य का स्मरण जीवा पर लगातार बना रहे जब तक शरीर में सामर्थ्य है